फिलहाल क्या बात है, कोई जॉब नहीं मिली क्या यहाँ पर? आप पंक्चर लगा रहे हैं, मास्टर किया हुआ है आपने? जी सर, बहुत काफ़ी ट्राई किया इस जॉब के बारे में, काफ़ी जगह ट्राई भी किया लेकिन कहीं पे जॉब नहीं हुआ। पहले कॉलेज लेवल पे पढ़ा, इंटर से मास्टर तक मैं पढ़ा। 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आया था जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी जो दाएँ टांग है उसमें प्रोफेसर भी रहे और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हादसा हो गया, मजदूर हो गए, खड़े होकर पढ़ा नहीं सकते थे तो कॉलेज जो है उसने इजाज़त नहीं दी बैठकर पढ़ाने की, जिसके बाद इस बाहिम्मत नौजवान ने, हिम्मत नहीं आ रही इसने आकर यहाँ पर ये शॉप। मैं हूँ आपका होस्ट जानशेर खान। नाजरीन, मैं आज पंक्चर शॉप के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर एक मेहनती नौजवान है जिसने मास्टर किया हुआ है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में, और वो यहाँ पर पंक्चर लगाता है, व्हील बैलेंस करता है। उसके साथ यहाँ पर हम गपशप करेंगे कि ऐसी क्या बात है इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर ये नौजवान इतनी सख्त मेहनत से गुजर रहा है और ये काम कर रहा है। बिलाल, क्या बात है, कोई जॉब नहीं मिली क्या यहाँ पर? आप पंक्चर लगा रहे हैं, मास्टर किया हुआ है आपने? जी सर, बहुत काफ़ी ट्राई किया इस जॉब के बारे में, काफ़ी जगह ट्राई भी किया लेकिन कहीं पे जॉब नहीं हुआ। कोई सिलसिला इस तरह का नहीं बना के गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब तो बहुत किए हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब का कोई सिलसिला नहीं बना। क्या शुरू से यही काम करते थे, क्या करते थे? नहीं सर, पहले तो मैंने अपना मास्टर कंप्लीट किया, उसके बाद मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब की है। और 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आया था जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी जो दाएँ टांग है उसमें राड डला है। पहले पढ़ाते रहे हैं किसी कॉलेज में, क्या करते थे? जी, पहले कॉलेज लेवल पर पढ़ाए, इंटर से मास्टर तक मैं पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा, इंटर से मास्टर तक कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हादसा हो गया, मजदूर हो गए, खड़े होकर पढ़ा नहीं सकते थे तो कॉलेज जो है उसने इजाज़त नहीं दी बैठकर पढ़ाने की, जिसके बाद इस बाहिम्मत नौजवान ने, हिम्मत नहीं आ रही इसने आकर यहाँ पर ये शॉप खोली है, पंक्चर लगाता है, व्हील बैलेंस करता है और साथ साथ ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं आप, क्या करते हैं? जी सर, मैं होम ट्यूशंस भी पढ़ा रहा हूँ। सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 8 बजे 8:15 बजे घर पहुँचता हूँ। MDA चौक शहजाद कॉलोनी में एक होम ट्यूशन है, मास्टरी के बच्चे वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कहीं से कोई ऑफ़र भी हुई है आपको काम की? जी सर, बहुत सी ऑफ़र्स हुई हैं, दुबई से भी ऑफ़र आई है, सऊदीया से भी ऑफ़र आई है, कि मतलब मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं। क्या यही काम व्हील बैलेंस जो करते हैं? नो सर, व्हील बैलेंस नहीं, जो दुबई से कंपनी है वो ट्रेडिंग, कोई कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक की, वो ट्रेडिंग का काम करते हैं तो वहाँ से एक ऑफ़र आई है। और जो सऊदीया में है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने ऑफ़र की है। उन्हें कैसे पता चला आपका, कैसे ये सारा कुछ हुआ? ये सारा इसी सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला, जो लास्ट टाइम उर्दू पॉइंट ने न्यूज़ बनाई है, वो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी, वहाँ से ही मतलब उन्हें पता चला तो लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। इनको बाहर के ममालिक से ऑफ़र्स भी हुई काम के सिलसिले में, दुबई से भी ऑफ़र आई, सऊदी अरब वालों ने भी इन्हें बुलाया, लेकिन ये हिम्मत बाहिम्मत नौजवान यहाँ पर बैठा है और अपना कारोबार यहाँ पर कर रहा है, व्हील बैलेंस भी करता है, पंक्चर भी लगाता है और साथ साथ ट्यूशंस भी लेता है। और पहले ये प्रोफेसर भी रहा, मास्टर के स्टूडेंट्स भी पढ़ाए, FSC के पढ़ाए, BSc की भी ट्यूशन जो है BA की वो भी इन्होंने पढ़ाई है। तो इनकी इस बाहिम्मत नौजवान जो है ये अपनी हिम्मत नहीं हार रहा और यहाँ पर ये मेहनत कर रहा है और अपना काम कर रहा है।